नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। बीजेपी कितना भी झूठ फैला ले, जनता सच जानती है। बिटकॉइन ऑडियो विवाद पर बोले उद्धव ठाकरे। जगतगुरु रामभद्राचार्य की बिगड़ी तबीयत, सांस लेने में परेशानी के बाद देहरादून के अस्पताल में भर्ती। यूपी के मीरापुर में मतदान के दौरान हंगामा, भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में परिवार के साथ किया मतदान। लखनऊ में मंगलवार को सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात, कोहरे से ढकी राजधानी, पछुआ हवाओं से बढ़ी सर्द, रेड जोन में एक्यूआई। मणिपुर हिंसा, सीएम बेरन का चिदंबरम को जवाब, कहा मौजूदा संकट चिदंबरम की ही देन, उन्होंने म्यांमार के उग्रवादी गुटों से समझौता किया था। G20 में भारत चीन डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर हुई चर्चा, मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने पर भी बातचीत, फोटो सेशन में टूडो के साथ दिखे मोदी। गुयाना पहुंचे पीएम मोदी, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का छठा टेस्ट, लॉन्च पैड पर उतरने में दिक्कत दिखी तो पानी पर लैंड कराया, ट्रंप भी मौजूद रहे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024, ऊर्जा विभाग की प्री समिट में 6.5 लाख करोड़ के MOU किए जाएंगे साइन। पंजाब में पूर्व मंत्री अनिल जोशी ने अकाली दल से दिया इस्तीफा। 29 साल बाद पत्नी सायरा से अलग हुए यार रहमान, लिखा उम्मीद थी 30 साल पूरे कर लेंगे, वकील ने कहा इमोशनल टेंशन से टूटा रिश्ता। लखीमपुर महोत्सव 2024 की तैयारियां पूरी, 19 से 28 नवंबर तक दिखेगा शिक्षा साहित्य और संस्कृति का संगम। पिता सलीम खान के साथ वोट डालने पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान। गोवा लखनऊ फ्लाइट में चूहा मिलने से मचा हड़कंप, उड़ान कैंसिल, यात्रियों ने किया हंगामा, 2 घंटे बाद इंडिगो ने दूसरी फ्लाइट से भेजा। कनाडा ने भारत आने वाले यात्रियों की सुरक्षा जांच बढ़ाई, उड़ान से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट बुलाया, पिछले महीने पन्नू ने दी थी धमकी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है चुनाव। सपा प्रमुख अखिलेश का दावा, इस चुनाव का फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। सीसामऊ में इसी पुलिसकर्मियों पर एक्शन, वोटरों को मतदान ना करने देने के आरोप में किया 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित। सीसामऊ में धरने पर बैठे बीजेपी प्रत्याशी और कार्यकर्ता, बोले पोलिंग एजेंट से हुई बदतमीजी। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।